कर्नाटक में मिली जीत के बाद कांग्रेस ने मध्य प्रदेश चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। साल के अंत में मध्य प्रदेश में भी चुनाव होना है, जिसको लेकर कांग्रेस अभी से कमर कस ली है। एक दिवसीय शहडोल दौरे पर आए नेता प्रतिपक्ष व वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर गोविंद सिंह ने शहडोल मुख्यालय सहित जिले के तीनों विधानसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में शामिल होकर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान भाजपा व आरएसएस को आड़े हाथों लेते हुए नेता प्रतिपक्ष व पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने बड़ा बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि भाजपा में भी एक आरएसएस है। उन्होंने ये भी कहा कि ये आरएसएस नाहिक है, बल्कि राष्ट्रीय षड्यंत्रकारी संगठन है। इतना ही नहीं, उन्होंने आरएसएस को र्यूमर स्प्रिंटिंग सोसाइटी, र्यूमर फैलाने वाली संस्था बताया है। उनके इस बयान के बाद से राजनीति गर्मा गई है। गुटबाजी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है और भारतीय जनता पार्टी में भी एक आरएसएस है। इसका असली राष्ट्रीय स्वयं सेवक है। ये मैं तो हमेशा से कहता हूँ, ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक नहीं है, ये राष्ट्रीय षड्यंत्रकारी संगठन है। और आरएसएस र्यूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी, र्यूमर फैलाने वाली संस्था है। ये संस्था गलत फहमी फैलाती है। कर्नाटक में कल ही खुल चुकी है। प्रदेश की जनता, देश की जनता समझ गई है मोदी प्रधानमंत्री हो गए ये अनुमान बोलता है। इसको शर्म नहीं आने चाहिए। प्रधानमंत्री जैसे पद में गर्मा बैठ के 15-15 किलोमीटर रोड से कर रहा है, नुक्कड़ सभा कर रहा है। ये हार कर्नाटक में जो हार हुई है वो मोदी वर्सेस राहुल गांधी कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ताओं की जीत है, मोदी की हार। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।